वेलकम टू माई चैनल गाइस, मैं ट्रैवल एजेंट का ब्लॉग सर। क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाला है सामान, तो क्या क्या सामान है? एक चश्मा है, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम में चश्मा की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम चश्मा लिया है। एक एक नहीं तीन मिलेगा, मतलब एक खरीद दिया है, मतलब एक ही खरीद किया हम, बस तीन दो ऑफर मिल रहा है तो वही ले लिया। और ट्रैवलिंग का बोर्ड हम बना लिया था, लीफ बोर्ड, और एक मोबाइल का बैटरी, ये जो ये ब्लॉकिंग कर रहा है उसका मोबाइल का बैटरी है, और एक बैग, ट्रैवलिंग ट्रैकिंग बैग ले लिया है। तो उसकी वो सब के लिए हम अनबॉक्स करने वाला है आज। तो आप लोग थोड़ा देखिए गाइस, यही है मेरा जो अनबॉक्स करने का सामान। ये चश्मा है, और ये मोबाइल का बैटरी, यही है लीफ का बोर्ड, ऑल इंडिया ट्रैवल, पूरे पूरे भारत ट्रैवल, और सब्सक्राइब माई चैनल और सब, और यही है लिफ बॉन मेरा लिफ प्लेस ट्रैवल अभिजीत ब्लॉग्स, मेरा सब कुछ ये है, ये काम आएगा बाद में, और बाद में नहीं ट्रैवलिंग के टाइम में काम आएगा ये। और ये तो चश्मा ही है ये, और ये एयरफोन तो हम उस दिन लिया था, हम तो उस दिन उसका मतलब हम कुछ नहीं किया, मतलब इसका बैटरी पहले हम अनबॉक्स कर लिया था, इसका तो अनबॉक्स का वीडियो नहीं डाला हम, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, मतलब तीन दिन लगभग हम 3 दिन चलाया, 100% बैटरी चार्ज करके 3 दिन चलाया, फिर भी अभी तक इसका बैटरी बैकअप, बैटरी 50% है, बैटरी पूरा 50% ख़त्म किया 3 दिन में। तो अभी ये भी ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, अच्छा होगा। और ये ही मेरा बैग जो ट्रैवलिंग करने का, ये भी खोल लिया मैंने पहले, तो अभी फिर बस जब सामान पूछा था वो ठीक से सामान पूछा कि नहीं पूछा, वो खोल लिया हमने, तो अभी इसका सामान भी देखेंगे हम, अच्छे से नहीं देखा तो आप लोग थोड़ा देखो गाइस। अभी हम ये सब कुछ अनबॉक्स करने वाला है, तो आप लोग थोड़ा देखते रहो गाइस। तो इतना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, वो सब करने के लिए। तो आज हम ये चश्मा अनबॉक्स कर लिया है, तो ये चश्मा हम बस ये एक खरीद दिया था, ये खरीदने के बाद फिर ये दो तो बस फ्री में मिला है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। तो इसका तो इतना ही, मतलब इतना इतना हम यूज़ नहीं किया, ये तो एक बार बस एक बार यूज़ करके देखा था, तो अच्छा ही है, मतलब क्वालिटी अच्छा ही है। तो और हम ये एयरफोन का बात करेंगे, ये एयरफोन जी सी एल 700, इसका भी मतलब बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, मतलब बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा अच्छा है, 3 दिन हम चला लिया 100% बैटरी से, फिर भी 50% हम ख़त्म कर सका है, और 50% अभी बचा है, कितना दिन चलेगा नहीं पर मुझे नहीं मालूम। तो इसका इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, चार्जिंग टाइम इसका 60 मिनट, 1 आवर, 1 घंटा चार्ज करना पड़ता है, बैटरी म्यूजिक प्ले करने से 50 आवर चलता है, टॉक टाइम फ़ोन करने से भी 50 आवर चलता है, मेक इन चाइना, ये चाइना का माल है ये। तो अभी और ये मेरा ट्रैवलिंग करने का लिफ्ट मांगने का बोर्ड है ये, और इसमें लिखा है ऑल इंडिया ट्रैवल्स, और यहाँ में भी सेम ही लिखा है, पूरी पूरी भारत यात्रा लिखा है। और ये मेरा सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब यूट्यूब का सिग्नल ये, सब्सक्राइब करो। और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी अभिजीत एम मिल, लिखने से मिल जाएगा। और ये मेरा लिफ्ट प्लेस, और यहाँ में यूट्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ ट्रैवल अभिजीत ब्लॉग्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अभी हम इसका भी इतना ज़्यादा मतलब बनाने में इतना ज़्यादा नहीं लगा, इसका तो बस कितना लगा, 50 रुपया लगा है, दुकान साइबर से बनाया था, तो कागज़ से बनाया था इसका, और इसका भी अच्छा ही है। तो और अभी हम बैग, मेरा बैग का देखेंगे, ये मेरा ट्रैवलिंग का बैग है, इसका प्राइस लगभग 500 लगा है, 500 में मिला था इसका बैग का, मतलब रियल प्राइस तो उसका 1200-1500 ऐसे मिलता है। तो अभी हम इसका अभी मज़ा से देखेंगे, अच्छा से मतलब सब कुछ चेक करके देखेंगे, कितना सामान आएगा कितना नहीं आएगा, मुझे इतना भी नहीं मालूम है कि कैसा होगा कैसे नहीं होगा इसका, मतलब 1 2 3 4 बस तीन चेन है इसका, तो तीन चेन होने से भी अच्छा ही है, मतलब इसका 50 लीटर्स का बैग है ये, 50 लीटर्स मतलब सामान 50 kg, वो सब कुछ इतना ज़्यादा मोटा होगा देख लेगा इस, ये यहाँ से भी है, यहाँ से भी पूरा छोटा करके रखा हुआ है ये बैग, यहाँ से भी इतना बड़ा होगा, आप लोग को दिखा देते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा होगा मेरा ट्रैवलिंग का सामान सब कुछ पूरा होने वाला, बस एक चीज़ बाकी है, अभी कैंपिंग टेंट बाकी है, अभी कैंपिंग टेंट और ट्रैकिंग शूज़ लेना बाकी है, और ज़्यादा
कुछ नहीं है, बस वो दो ये बाकी है। इसका बैग भी काफ़ी भरा है, हमको भी पूरा अंदर घुसा सकेगा। अंदर में भी यहाँ में सब कुछ सामान अच्छा है, यहाँ में भी से लैपटॉप वैपटॉप सामान लेने के लिए, से प्राइवेट सामान लेने के लिए अच्छा है। ये बैग है वाटर प्रूफ का, और ये है इसका, ये इसका सब तरीके का बैग है ये, तो अच्छा भी वो सब का भी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये, और अभी हम मेनली मोबाइल का बैटरी का, जो अभी हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं उसका, मोबाइल का बैटरी का बात करेंगे अभी। हाँ, ये मोबाइल का बैटरी है मेरा, तो अभी इसको भी हम खोल कर देख लिया है, तो अभी हम मोबाइल का बैटरी को भी देखेंगे। पूरा निकल गया, अपने आप निकल गया, मतलब यही है, मतलब ये बैटरी, मतलब ओप्पो F5 का मेरा मोबाइल का, मोबाइल फ़ोन का है जो ट्रैवलिंग करता है उसका बैटरी है। इसका बैटरी का 4100 mAh है, और बैटरी वोल्टेज इसका 3.82 वोल्टेज है इसका। और इसका मतलब बैटरी, इसका बैटरी का प्राइस लगभग 1000 है, 1000 में लिया था हम, मैक्स भी से लिया था, ये भी देख सकते हैं। ये हम लोग, मेरा उधर का वो सब कुछ होगा शायद, तो अभी हम इसको भी खोल कर देखते हैं अच्छा से, मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं भी ट्राई करके नहीं देखा, नहीं किया तो और फिर रिटर्न करना पड़ेगा, और थोड़ा देर कर रोकना पड़ेगा। ये बैटरी कम चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे भी इतना पता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मोबाइल का बैटरी, जिस मोबाइल से हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं उस मोबाइल का ही बैटरी है, या तो अभी बैटरी पहले फिटिंग करेगा, उसके बाद ही हम ब्लॉकिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है गाइस, तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। जो हम मोबाइल का बैटरी बनाया था, बैटरी एक्सचेंज किया था, मतलब वो बैटरी ख़राब ही है, मतलब पे हमको लगा था, मतलब अच्छा ही, मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब रिटर्न करने से, रिटर्न नहीं, इसे चेक करने के बाद ही भेज दिया जाता है बोला था, तो हम ऐसे ही देखा था, मतलब बैटरी लिया था, मतलब इसकी वजह से, मतलब और फिर बैटरी हम लगा के देखा तो मेरा मोबाइल को भी ऑन नहीं कर सकता है। मेरा ये, मेरा मोबाइल का बैटरी वाट सप्लाइंग वो होता है 16 वाट का होता है, 16.42 वाट का होता है, तो ये 11.08 का वाट है। इसकी वजह से ये सप्लाई नहीं कर पाता है, मेरे मोबाइल में बैटरी सपोर्ट नहीं कर पाता, सप्लाई नहीं कर पाता, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया। मतलब अभी और फिर से मैं उससे पुराना बैटरी ही लगाना पड़ रहा है, ये बैटरी ख़राब ही है, रिटर्न देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा मुझे भी मालूम नहीं है, तो बाद में पता चलेगा गाइस। तो यहाँ में ही ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करो, और थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर करो गाइस। ठीक है, तब तक के लिए इंतज़ार करो गाइस।